राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज़ादी के आंदोलन में कटनी पहुंचकर भी लोगों में देश प्रेम का जज्बा भरा था। बापू ने कटनी में एक रात बिताई थी और स्कूल के जिस कमरे में राष्ट्रपिता ठहरे थे उस कमरे को उनकी निशानी के तौर पर आज भी सुरक्षित रखा गया है। बापू ने रात रुकने के बाद दूसरे दिन फॉरेस्टर प्लेग्राउंड के पास सभा की थी और उसके बाद तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा था। जिस रास्ते से होकर वे सभा स्थल तक गए थे वहां पर उनकी याद में आज भी गांधी द्वार बना है जो उनके कटनी आने की निशानी है। आज़ादी के लिए आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वर्ष 1933 में कटनी आए थे जहां सैकड़ों की संख्या में आज़ादी के दीवानों ने उनका स्वागत किया था और घंटाघर से जगन्नाथ चौक के बीच बने शासकीय तिलक राष्ट्रीय स्कूल के कमरे में बापू को ठहराया गया। जिस कमरे में बापू ने रात बिताई थी उसे याद के रूप में आज तक स्कूल ने संजो कर रखा है। स्कूल के कमरे के अलावा अपनी यात्रा के दौरान गांधी जी जिस मार्ग से सभा स्थल तक गए थे उस रास्ते में उनकी निशानी के तौर पर गांधी द्वार बनाया गया था जो आज भी शहर में यादगार के रूप में सुरक्षित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हरिजन उद्धार यात्रा को लेकर वर्ष 1933 में आए थे। कमरे में रात्रि विश्राम के बाद बापू सुबह होते ही यात्रा पर निकल पड़े थे और सीधे फॉरेस्टर प्लेग्राउंड पहुंचकर जनमानस को संबोधित किया था। उनके आह्वान पर जिले से भी हजारों की संख्या में लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। कटनी के लोगों में आज़ादी को लेकर उत्साह देखकर बापू ने मुड़वारा कटनी को बारडोली का भी नाम भी उसी दौरान दिया था। सभा के बाद तहसील कार्यालय पहुंचकर गांधी जी ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था। गांधी जी से हमारे कटनी शहर में से तिलक राष्ट्रीय विद्यालय में 2 दिसंबर 1933 को विद्यालय पहुंचे थे और यहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया था और हरिजन उद्धार कार्यक्रम के तहत सामने बस्ती में भी एक दिन इनने बैठक की थी और यहाँ से उठते हुए गांधी द्वार होते हुए उनने तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया था और तरह तरह के कार्यक्रम उस समय हमारे स्कूल में होते थे और हमारे ही विद्यालय के भूतपूर्व शिक्षक खंबरिया जी स्वतंत्रता आंदोलन में डिक्टेटर नियुक्त हुए थे। यहीं से बारडोली सत्याग्रह और स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई के लिए तिलक राष्ट्रीय विद्यालय एक ऐतिहासिक विद्यालय है। उस रूम में जहाँ गांधी जी रात के विश्राम किए थे उस रूम को आज भी हम लोग विद्यालय परिवार सजोए हुए हैं और हमेशा गांधी जयंती में तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं विद्यालय परिवार अपनी ओर से। क्या मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ऐतिहासिक धरोहर? मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक ऐतिहासिक धरोहर कटनी तिलक राष्ट्रीय विद्यालय को मिला है। बाहर एक स्मारक पत्रिका लग गई है और कटनी शहर में ये ऐतिहासिक स्थल है जहाँ महात्मा गांधी रुके थे रात्रि विश्राम किए। क्या नाम है आपका? टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए कटनी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट।